तो दोस्तों, मेरा नाम है राहुल, स्वागत है आपका टेक्निकल वर्क यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अगर आपका फ़ैन बहुत धीरे चल रहा है, आपको समझ में नहीं आ रहा है इसके फ़ैन रेगुलेटर में प्रॉब्लम है या फिर इसके कैपेसिटर में प्रॉब्लम है, जिसके वजह से जो फ़ैन है वो धीरे चल रहा है, इस वीडियो में बताने वाला हूँ। आप इस वीडियो की सहायता से अपने फ़ैन को ठीक कर सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पर मैंने फ़ैन रेगुलेटर को फुल स्पीड में कर दिया है, और यहाँ पर जब हम फ़ैन की स्पीड देखते हैं, यहाँ पर जो फ़ैन की स्पीड है काफ़ी स्लो है। तो सबसे पहले हमें चेक करना है, क्या इसके फ़ैन रेगुलेटर में प्रॉब्लम तो नहीं, जिसकी वजह से इसका जो स्पीड है वो कम है। क्या होता है कभी कभार, क्या होता है फ़ैन रेगुलेटर में प्रॉब्लम होने की वजह से भी फ़ैन की स्पीड कम आती है। ज़्यादातर प्रॉब्लम क्या आती है, जब फ़ैन रेगुलेटर 1, 2 और 3 नंबर पे नहीं चलते हैं, और जैसे 4 नंबर पे करते हैं तो फ़ैन की स्पीड बहुत तेज़ हो जाती है या स्लो स्पीड में चलता है, उससे पता चलता है जो हमारा फ़ैन रेगुलेटर ख़राब है। तो यहाँ पर हमें चेक करना है फ़ैन रेगुलेटर ठीक है या नहीं। तो इसे चेक करने के लिए मैंने देखिए बोर्ड को खोल दिया है, और यहाँ पर इस वायर को साइड कर देते हैं, जिससे कि हम कनेक्शन को समझ सके। देखिए, यहाँ पर फ़ैन रेगुलेटर की एक जो वायर है वो यहाँ पर स्विच के ऊपर टर्मिनल पे कनेक्ट हो रखी है, और इसी के साथ जो फ़ैन रेगुलेटर की दूसरी वायर है इस पीले वाले तार से कनेक्ट हो रखी है। जो पीला वाला तार है वो फ़ैन का है, और यहाँ पर जो फेस सप्लाई थी यहाँ पर रेगुलेटर के थ्रू मिल रही थी। और हमें क्या करना है, सप्लाई को पहले ऑफ़ कर लेना जिससे करंट ना लगे। तो हमें क्या करना है, इस फ़ैन के वायर को रेगुलेटर की वायर से अलग कर देना है। देखिए, यहाँ पर मैंने अलग कर दिया है। यहाँ पर हम देखते हैं जो स्विच लगे हुए हैं इसके अंदर, स्विच के नीचे वाले टर्मिनल पर फेस सप्लाई आ रही होती है। तो देखिए, यहाँ पर टेस्टर चेक करते हैं। देखिए, यहाँ पर जो टेस्टर जल रहा है, इसका मतलब यहाँ पर फेस सप्लाई आ रही है। तो हमें क्या करना है, ये जो फ़ैन की जो वायर है पीली वाली तार, इसको हमें क्या करना है, स्विच के इस नीचे वाले टर्मिनल से कनेक्ट करना है जिसमें वायर लगी हुई है। तो देखिए, जैसे मैंने यहाँ पर लगाया, जो हमारा फ़ैन है वो चल रहा है, मगर यहाँ पर जो स्पीड है फ़ैन की वो यहाँ पर अभी भी कम है। इसका मतलब यहाँ जो हमारा रेगुलेटर था ठीक था, पहले भी जब हमने चेक किया था रेगुलेटर में, जब इसकी वायर कनेक्ट थी तो यहाँ पर स्पीड फ़ैन की कम थी, और जब हमने यहाँ पर डायरेक्ट चेक किया है तो भी यहाँ पर फ़ैन की स्पीड कम है। अगर यहाँ पर डायरेक्ट करने पे जो फ़ैन है वो तेज़ चलने लगता, तो इसका मतलब ये होता है जो फ़ैन रेगुलेटर है वो ख़राब हो गया, जिसकी वजह से यहाँ पर स्पीड कम आ रही है। तो यहाँ पर जो रेगुलेटर ठीक था, तो मैंने वायर दोबारा कनेक्ट कर दिया है। अब यहाँ पर हमें इसके कैपेसिटर को चेंज करना है। देखिए, मैंने 2.5 माइक्रोफेरेट का कैपेसिटर लिया, जो कि फ़ैन में लगता है। इसको हम इस फ़ैन में लगा देते हैं, उसके बाद चेक करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, इसके वायर कनेक्ट हो रखे हैं, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे होंगे इसके टर्मिनल पे जो कैपेसिटर की वायर है वो यहाँ पर बीच वाले और नीचे वाले टर्मिनल पे कनेक्ट हो रखी है। तो हमें क्या करना है, यहाँ पर वायर को खोल लेना है। इसको कैपेसिटर को निकालते समय हमें ध्यान देना है कि यहाँ पर सप्लाई को ऑफ कर लें ताकि करंट ना लगे। तो यहाँ पर देखिए, मैंने दूसरा कैपेसिटर लगा दिया है। कैपेसिटर के कनेक्शन करने बहुत ही आसान है, जब आप पुराने कैपेसिटर की वायर को जहाँ जिस टर्मिनल से निकालेंगे उसी टर्मिनल पर नए कैपेसिटर की वायर को लगा देना है। और यहाँ पर देखिए, मैंने कैपेसिटर कनेक्ट कर दिया है, और हम यहाँ पर इसे फिक्स कर देते हैं। उसके बाद हम इसे चेक करेंगे जो हमारे फ़ैन की स्पीड है वो यहाँ पर बढ़ी है कि नहीं बढ़ी। इसके फ़ैन कवर को लगाने से पहले कनेक्शन अच्छे से चेक कर लेना, कनेक्शन टाइट होने चाहिए, नहीं तो कनेक्टर इसके जल जाएंगे। देखिए, यहाँ पर मैंने लगा दिया, और यहाँ पर हम इसे चेक कर लेते हैं। यहाँ पर इसकी सप्लाई को ऑन कर दिया है, और यहाँ पर इसके फ़ैन रेगुलेटर को 0 पे कर दिया है। अब दोबारा से हम इसे ऑन करते हैं। देखिए, यहाँ पर पहले नंबर पर चलाते हैं, तो यहाँ पर जो फ़ैन की स्पीड है यहाँ पर अभी पहले नंबर पे कम है, और इसी तरह हमें दूसरे नंबर पे चेक करना है। तो यहाँ पर मैंने फ़ैन रेगुलेटर को दूसरे नंबर पे कर दिया है, और यहाँ पर देखिए जो फ़ैन रेगुलेटर की स्पीड है वो पहले से बढ़ गई है। तो यहाँ पर हमारा ये फ़ैन 2 नंबर पर चल रहा है। इसके बाद हमें 3 नंबर पर चेक करना है। तो यहाँ पर 3 नंबर पर चेक करने के, यहाँ पर मैं इसे 3 नंबर पर कर देता हूँ। तो यहाँ पर देखिए, फ़ैन रेगुलेटर को मैंने 3 नंबर पर कर दिया है, और यहाँ पर जो फ़ैन की स्पीड है और काफ़ी बढ़ गई है। इसके बाद हम चौथे नंबर पे भी चेक करेंगे कि यहाँ पर फ़ैन की स्पीड कितनी आ रही है। तो यहाँ पर हम इसे फ़ैन रेगुलेटर को चौथे नंबर पे कर देते हैं, जो कि यहाँ पर फुल स्पीड है। तो यहाँ पर देखिए, मैंने चौथे नंबर पे कर दिया है, और देखिए आपको दिख रहा है। और हम फ़ैन को देखते हैं, तो जैसे कि फ़ैन यहाँ पर हमारा जो है काफ़ी तेज़ चल रहा है पहले से। तो यहाँ पर जो फ़ैन था इसमें कैपेसिटर की प्रॉब्लम थी, जिसकी वजह से हमारा जो फ़ैन था वो धीरे चला। दोस्तों, इस टाइप से आप भी अपने फ़ैन रेगुलेटर को चेक कर सकते हैं, फ़ैन रेगुलेटर ठीक है या ख़राब है। अगर फ़ैन रेगुलेटर ठीक है तो आपको कैपेसिटर को चेंज कर देना, जिससे आपका फ़ैन ठीक हो जाएगा, इस स्लो स्पीड जो आ रही है फ़ैन की वो ठीक हो जाएगी। दोस्तों, फिर भी आपको इसे चेक करने में प्रॉब्लम आ रही है या फिर इसको रिपेयर करने में प्रॉब्लम आ रही है, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और इस बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, जिससे नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।